नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको भादवे महीने की चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसे चौथ के व्रत के दिन सुनने से चौथ माता आपको अखंड सुहाग प्रदान करती है। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। एक सास और बहू थी और उसका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड़ से रखती। एक दिन सास काम से गांव गई तो बहू से बोली कि बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना, और सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई, बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोस की औरतें कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हो, तो औरतें बोली हम चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। तो बहू बोली कि इससे क्या होता है, औरतें बोली कि चौथ माता अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते सब देती है, पति परदेश गया वापस आ जाता है, तू भी क्या कर। बहू बोली मैं कैसे करूं, मेरी सास तीन टाइम रोटी देती है। औरतें बोली कि एक टाइम की गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठाने में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर, और चूरमा बनाकर जोत देकर चौथ माता के भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खाना खाना। बहू बोली कि ठीक है, ऐसा कहकर वह चली गई। आगे चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति को बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था, तो बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा कल घी का दीपक जला कर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आ गया। रास्ते में सांप मिला, बोला मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा मैं मेरे घर वालों से मिल लूं तो फिर खा लेना। वह घर आ गया, पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से बोला नहीं, वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ व्रत था, पत्नी ने व्रत किया, वो जोत देख रही थी। वहीं पर पट्टे पर जोत का सामान आंखें चूरमा दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और ऊपर कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा कि इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए, तो दीपक की ढाल बन गई, आंखों की तलवार बन गई और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला तो पत्नी बोली आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तो पति बोला क्या बोलता, यह देख मेरा काल साथ आया था, वह मर गया। दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली नहीं बेटा, तू था तब तो फिर भी मंदिर चली जाती थी, तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने पूछा कि बहू से पूछो। माँ बोली यह क्या करेगी, इसको तो मैं तीन समय खाना देती थी। बहू इशारे से बोली करती थी। सास बोली क्या करती थी, बोली मैं चौथ का व्रत करती थी, क्या सबूत है। वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बोली उठाने में देख लो। उठाने को खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने चांदी हो गए। तीसरा बनिए से पूछ लो, बनिए के बाद भी सही निकली। सास बोली क्या चौथ माता ऐसी है। बहू बोली हाँ, चौथ माता सबका भला करती है, आपके पति को लंबी उम्र प्रदान करती है। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उस सास और बहू को उसके बेटे और पति से मिलाया, उसकी रक्षा की, वैसे ही आपका व्रत करने वाली और आपकी विधि पूर्वक पूजा करने वाली सभी पर अपनी कृपा करना, उनकी सभी कामनाएं पूरी करना। बोलो चौथ माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए,
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।